मुझे लगता है मैं रास्ता भूल चुका हूँ। पीछे पता नहीं किस चीज की साउंड आई है, मैं नहीं रुकने वाला जरा भी। क्या हुआ इसका? यो, किसी ने फाड़ दिया इसको, काम चलने लग गया। अच्छा, काम चलने लग पड़ा तो कर दिया सीन। गलत बात है यार। जय श्री राधे दोस्तों। तो आज के दिन मेरा काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है यार। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि बाइक का टायर पंक्चर हो चुका है, तो इसको फिक्स करवाना है सबसे पहले। एंड उसके बाद मैं जाऊंगा अपने भाई करण की शॉप पे। आज मैं आपको उसकी शॉप एक्सप्लोर करवाता हूँ, मोबाइल वगैरह का काम करता है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी आज के दिन की जर्नी। और व्लॉग लगभग दोपहर के 1 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ यार। थोड़ी देर पहले कुछ एक काम थे, जैसे कि मक्की का आटा लेने गया था जो कि मशीन बंद थी, नहीं मिला। एंड बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा था, तो जो कि कुछ इस तरीके से था। शैल है, बहुत अच्छी है, क्यारा की मेहंदी। मामू भी आए हैं आज घर में। ठीक है, ले आऊंगा। क्या खाना है? वैसे खाने है? कोई ले आऊंगा, और कुछ नहीं। ठीक है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो काफी डेंजर सा रास्ता है, ऐसे सुनसान सा रास्ता बोल सकते हो। और अकेला मैं कभी उस रास्ते से ट्रैवल भी नहीं किया। अच्छा, आपका भाई डरता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना। तो दोस्तों, अभी आपका भाई लगभग अपने घर से 5-6 किलोमीटर आ चुका है, और इस रास्ते की बात कर रहा था मैं जो कि जंगलों के बीचों बीच है बिल्कुल। और यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर का रास्ता होगा आगे, और सड़क भी लगभग सारी की सारी ऐसी देखने को मिलेगी, ऊपर खाबड़ टूटी फूटी। ये तो फिर भी ठीक है, आगे और ज्यादा खराब है। 20 minutes later मुझे लगता है मैं रास्ता भूल चुका हूँ, आगे जाके मेरे को मुड़ना ना पड़े। आगे 2-4 किलोमीटर आगे चल के देखते हैं कि ठीक जा रहा हूँ या नहीं। पीछे पता नहीं किस चीज की साउंड आई है, मैं नहीं रुकने वाला जरा भी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जानवरों वगैरह का भी खतरा रहता है। डोमेटा 5 किलोमीटर है, और अभी जाके मेरे को तसल्ली मिल गया कि अभी मैं सही रास्ते पे हूँ, बस सीधा जाना है आगे का मेरे को पता है। बस थोड़ा डॉट था क्योंकि सेम रास्ते आते हैं बीच बीच में। इस वाली साइड मेरा आना बहुत कम होता है। करण दादा हो गया, अंजन हो गया, इनको पता है ऐसे शॉर्टकट्स, क्योंकि मैं 1st to 5th ही रहा हूँ अपने एरिया में। और ये रास्ते बड़ी बात के निकले हुए हैं, जब मैं बुआ जी के घर में पढ़ता था तब के निकले हैं, बताऊंगा किसी दिन मैं स्टोरी में। दोस्तों यहाँ से व्यू देखो, वो आपको जो पानी दिख रहा है ये वो जगह है जहाँ पे मैंने शूट किया था। शूट तो मैंने इससे डाउन वाली साइड किया था, और ये अपर साइड का कुछ ऐसा व्यू है। लेके चलूंगा किसी दिन आपको मैं स्पेशल। मेरे को आप कमेंट करोगे आपको ये लोकेशन देखनी है तो मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो जिसमें मैं बाथू की लड़ी एक्सप्लोर कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा से वहाँ पे विजिट करूंगा। ढमेटा में पहुंच चुका हूँ, भाई की शॉप थोड़ी आगे है, और यहाँ पे लगवाएंगे अभी टायर का पंक्चर। टायर में कील घुस गई हुई थी, पंक्चर का काम हो गया। अभी करण दादा की शॉप पे चलते हैं यार, तो उसको पता नहीं है कि शॉप वाली साइड आ रहा हूँ ऐसा कुछ। A few moments later तो दोस्तों बिल्कुल रोड के साइड अपने भाई की शॉप डडवाल कम्युनिकेशन, और ये रहे अपने करण दादा। क्यों हिला डाला ना, मैं सोचा तेरे को शॉक करते जाके। तो फिलहाल ये भाई को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बस रेनोवेशन वगैरह करनी है शॉप की। जस्ट ऐसे भाई ने सेटअप ही किया हुआ है, धीरे धीरे इसको ग्रो कर रहा है। और ये कुछ ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ है भाई, थोड़ा डिटेल में बता दो पब्लिक को कि क्या क्या कर देते हो। फिर जो मर्जी करवा लेगी। ये डोमेटा में मेरे भाई की शॉप है, तो कोई भी जो भी मेरे को चंबा है यहीं कहीं से भी देख रहा है, डोमेटा वाला रास्ता है, जब भी इस पे जाए आपको मोबाइल का दिक्कत हो कुछ भी तो भाई से जरूर मिले। और तब तक शायद शॉप भी भाई और रेनोवेट कर दे, तेरी दुकान की प्रमोशन कर दे, गिफ्ट गुफ्ट दे अभी कुछ। तो करवा दे कुछ सेवा पानी फिर। क्या पीना है? चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, दारू? ना ना, दारू तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं थोड़ी देर में, कोल्ड ड्रिंक भी बाद में पीते हैं, फिलहाल वो पानी की बोतल ही देता मुझे। तो भाई शेखू भाई की कॉल आई, बहुत मिस करते हैं तेरे को भाई, कुकिंग में याद आती है तेरी? मैं भी करता हूँ भाई, बहुत मिस है। ये अपनी लोकेशन भाई, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, नजारे नजारे, बट गांव जैसे नजारे नहीं आएंगे तेरे को वहाँ पे। कोई नहीं, जब तू आएगा कुकिंग व्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा। 1 hour later फिर करन दादा मिलते हैं, तो फिर मैं निकलने लगा यार, मैं भी चलता हूं यार। चल चल, तो फिर चलते हैं, कर दे बंद दुकान। हां करते हैं, अच्छा शादी में जाना तूने? हां, अच्छा मेरे को लगा तूने लेट से जाना होगा, मैं तो बोल रहा राजू बाबा के साथ जा रहा है। दादा के साथ थोड़ी हेल्प वगैरह करवा लेते हैं इसका, ये बोर्ड बॉर्डर खुवाने में अंदर। तो भाई ये करण भाई के साथ एक और भाई है, इनकी भी शॉप है यहाँ पे, लेडीज का सामान रखा हुआ है इन्होंने। ये करण भाई के फ्रेंड है, तो फिलहाल नई नई खोली है। कितना टाइम हो गया? 4 महीने हुए। तो ये भी भाई की शॉप के साथ है, किसी दिन आऊंगा वेले टाइम में मैं, तो आपके डिजाइन वगैरह भी दिखाऊंगा यूट्यूब लोगों को। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे को निकलना पड़ेगा ना। ये बोर्ड भी फट गया। क्या हुआ इसका? यो, किसी ने फाड़ दिया इसको। अच्छा ऐसे ही जानबूझ के? हाँ जानबूझ के, काम चलने लग गया ना। अच्छा काम चलने लग पड़ा तो कर दिया सीन। गलत बात है यार, ये वैसे सुन के बुरा लगा क्योंकि भाई अपने एरिया को छोड़ के हिमाचल में काम करने आया, और ये चीज की है पता नहीं किसने की होगी, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए यार।
क्योंकि जब भी बंदा अपने घर से बाहर आता है कमाने या कुछ करने तो उसकी यही उम्मीद होती है कि कमाऊंगा, घर वालों को दूंगा, लेकिन ये चीजें ना बंदे को डिमोटिवेट कर देती है। क्यों भाई? कोई बात नहीं, आप करो अपना बिजनेस, बढ़ाओ, मजे से काम करो। ओके, मिलते हैं फिर, है ना? चले फिर करण भाई। चलो दोस्तों, चलते हैं घर को। Later that same evening. तो अभी आपका भाई पहुंच चुका है घर, और क्यारा ने कुछ मंगवाया था, मैं भूल गया यार। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए लेके नहीं आया। कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा, ठीक है? वहाँ पे ना शॉप नहीं मिली मुझे कोई भी। थैंक गॉड नाराज नहीं हुए, नहीं तो बच्चे नाराज होते हैं, तो आपको पता है कितनी जिद करते हैं। समझदार है क्यारा, शाबाश। क्या हुआ? ऐसे नहीं डालते, ऐसे करो, किसी दे दो अच्छा मामू को। तो दोस्तों सच मुझे यार आज का दिन मेरा ना एडवेंचर से भरा है। अभी मेरे को भाई के साथ जाना पड़ेगा इनके घर, इनकी बेटी का आज बर्थडे है। एक तो ये मेरे मामू के लड़के भी हैं और दूसरा ये मेरे साडू साहब भी हैं। चलो फिर भाई। 20 minutes later. दोस्तों ये है बर्थडे गर्ल, और इसके लिए मैं लेके आया, इसको दे दिया। अच्छा लगा? भाई से तो आप मिल चुके हो, दो भाइयों से और मिलवाता हूँ। ये भाई के साले साहब है, बड़े वाले छोटे वाले। ये देखो हमारी दीदी, अभी पूछ रहे हैं, 5-10 मिनट हो गए मेरे को आए हुए, पूछ रहे भारी भी ना। फिलहाल मेरे को मेरी भी आस लगी है। मेरी साली कहाँ है? साली मेरी नहीं निकल रही। तो साली ये निकल, तो मैं अपने और भाइयों से मिलवाता हूँ। ये भी अपने मामू के लड़के दोनों, सन्नी भाई और साहिल है। साली चली गई, भाभी है अपने बड़े वाले भाभी, और ये छोटे भाभी है, भाभी भी है मेरे। पता देख साली, ऐसे देख, ये मेरी भाभी भी है और मेरी साली भी है, इसके साथ दो दो रिलेशन है मेरे। केक कटिंग होगी थोड़ी देर में। और ये रही कुछ छोटी मोटी तैयारी, और ये रहे गेस्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ी घूर घूर के देख रही है कैमरा को। तो ये इसका फर्स्ट बर्थडे केक कटिंग, ये भाई लड़की ने अपना फर्स्ट बर्थडे केक काट दिया है। केक खाने के लिए भीड़ कितनी उमड़ गई है। तो दोस्तों कुछ ऐसे सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ पे, फुल प्यार से भरा हुआ सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे राध्या, हेलो। ये नहीं लेगी, इसका फोकस कहीं और है। मामा ने रुला दिया लड़की को। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया हमने बर्थडे आराध्या का। बाकी आपने देख ही लिया कि आज पूरा का पूरा दिन मेरा कैसा गया। भाई की कॉल आई थी मेरे को कि आज बर्थडे है बेबी का, तो वहाँ पे भी चलना है। ये तो इंस्टेंट प्रोग्राम था मेरा, यहाँ पे कोई पता नहीं था कि आना है मेरे को, लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, अभी खाना वगैरह खाएंगे और सो जाएंगे। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो। कल कर लोग आपको और मजा आएगा देखने का, क्योंकि कल मैं एज ए गाइड काम करने वाला हूँ। जो आपने व्लॉग में मेरे दो भाई देखे थे जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, उनको घुमाऊंगा अपनी लोकेलिटी आसपास के बढ़िया बढ़िया एरिया। सो एक गाइड का दिन कैसा रहता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही करने वाला हूँ गाइड का काम, तो देखते हैं कैसा जाता है हमारा दिन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शंकर।